दोस्तों ये आप सभी के सामने है क्रेटा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अब जितनी भी वेरियंट्स है उसमें ब्लैकआउट ये टेल लाइट वाला सेक्शन मिलने वाला है। एंड ई मॉडल से अब TPMS भी आ चुका है, बट ई एक्स वेरियंट के अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी पीछे रिवर्स कैमरा नहीं देती है हमको, सिस्टम आपको दे देती है बट रिवर्स कैमरा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी नहीं देती है। सिस्टम आपको एक बार दिखा देते हैं हम, जो सिस्टम है वो कैसा है ये आप देखिए। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है मेन, जिसके अंदर आपको रिवर्स कैमरा का एक्सेस नहीं मिलता है। तो हम आज OEM सिस्टम के अंदर ही रिवर्स कैमरा भी इंस्टॉल करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं जो कपलर लूम है ये इंसर्ट होगी इसके अंदर। ये हमारा रिवर्स कैमरा है जो कि OEM प्लेसमेंट में लगने वाला है, जो OEM प्लेसमेंट आती है वहीं पर। और यहाँ पर इसकी वायरिंग हारने से ये आप पूरी चेक कर लीजिए, यहाँ पर आप देखिए क्रेटा 2020 लिखा हुआ आता है और ये 2022 की जो क्रेटा है इसके अंदर में ये अपडेट होने जा रहा है। ये आप देखिए कुछ इस टाइप से रहता है। और जो पीछे नंबर प्लेट लाइट्स होती है ना वहाँ पर ये फिक्स होगा, इसे यहाँ पर जो कैमरा है इस साइड में फिक्स होगा ये, तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर फिक्स होगा। रिवर्स व्यू कैमरा काफ़ी अमेजिंग आएगा क्योंकि बम्पर पे अगर ड्रिल करते हैं ना तो कैमरा इतनी अच्छी परफेक्टली आपको पीछे का विजन नहीं दिखाता है। तो ये पूरा सेक्शन अभी ओपन होगा, रिवर्स कैमरा पूरा पीछे से लगेगा एंड आगे तक वायरिंग जाएगी एंड हमारा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है कपलर टू कपलर पूरा वर्क होगा। तो वन बाय वन चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो इंटरफेस है हमने बैटरी ड्यूस का लगा दिया है एंड इस टाइप से कपलर टू कपलर फिटमेंट होती है। ये जो कपलर है ये डायरेक्ट सिस्टम में कनेक्ट होता है, बट यहाँ से सिस्टम से हम कपलर को निकालते हैं, हमारी जो कपलर लूम है इसको इंसर्ट करते हैं एंड एज इट इज़ प्रॉपर फिटमेंट कर देते हैं। एंड ये जो वायरिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वायरिंग अभी जस्ट प्लग होता है एंड जो सिस्टम है वो पूरा प्लग एंड प्ले हो जाता है यहाँ से, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। एंड अभी आपको रिवर्स का हम व्यू भी चेक कराएंगे, ये पूरा फिटमेंट कर दें। पीछे हमारा जो कैमरे का वर्क है वो भी चल रहा है, वो आपको एक बार चेक करा देते हैं। ये आप देखिए जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ से हम इसको फिट कर रहे हैं, तो ये पूरा पैनल ही ओपन किया है एंड यहाँ से हम सॉकेट फिटमेंट कर रहे हैं प्रॉपर। तो दोस्तों यहाँ पर काम हमारा हो चुका है कंप्लीट एंड रिवर्स कैमरा इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले हम आपको रिवर्स कैमरा का जो स्क्रीन है वो दिखाते हैं। तो जस्ट हमने ये गाड़ी के अंदर जो की है इसको जस्ट पुट कर दिया है एंड ये थोड़ी सी जो FM है इसको हम वॉल्यूम को कम कर देते हैं। अब आपको रिवर्स कैमरा दिखाते हैं। ये देखिए जो रिवर्स कैमरा का व्यू है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। जो पार्किंग सेंसर्स हैं ना जो रिवर्स के लिए हेल्प करते हैं वो पूरे एक्टिवेटेड रहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये ग्रेड लाइंस भी हैं, बट ये अनफॉर्चुनेटली जो मूविंग है ऑटो मूविंग वाली नहीं है। तो ऑटो मूविंग के लिए आपको कैमरा भी ऑटो मूविंग डायनामिक गाइडलाइन वाला लेना पड़ती है, तो वो भी हमारे पास में अवेलेबल है, तो वो भी आप उसमें जा सकते हैं। तो ये जैसे ही आप स्टीयरिंग मूव करेंगे ना तो जो गाइडलाइंस है वो भी ये मूव करेगा। तो ये आप देखिए ओरिजिनल सिस्टम के अंदर ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है एंड क्विक है। जैसे हम रिवर्स करते हैं, बाय द वे रिवर्स इस टाइप से लगता है, ये जो ट्रिगर रहता है नीचे से इसको अप करना होता है एंड ये रिवर्स लगाया हमने, तो जो आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड इसी सिस्टम के अंदर है, मतलब ओरिजिनल सिस्टम के अंदर है, तो आउटपुट आप देख ही सकते हैं काफ़ी अमेजिंग है। अब आपको हम जो कैमरा है, कैमरा हमने कहाँ पर फिट किया है वो चेक करते हैं। तो ये देखिए आप पीछे पीछे से आप देख ही सकते हैं जो गाड़ी है कुछ इस टाइप से लग रही है दिखने में, और पीछे से जो इसका लुक है ना ब्लैक वाला है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा जो अपडेट में कंपनी ने किया है। यहाँ आप देखिए ये रिवर्स कैमरा माउंट करा है एंड ये देखिए लाइट लैंप्स भी जल चुके हैं हमारे इधर पे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो कैमरा है वो प्रॉपर फिटमेंट में है, मतलब हिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ तो कहीं पे भी नहीं हिलेगा ये, और अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है ये। और विजन आपने देखा कि व्यू जो है ना पूरा काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका, तो ये जो चीज़ है ना वो आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। तो ये है रिवर्स कैमरा और काफ़ी अच्छा दिख रहा है गाड़ी के अंदर, और पूरा जो विजन है वो पूरा पीछे साइड का कैप्चर कर रहा है अच्छा वाइड एंगल में है ये, तो ये आप अपनी गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।